आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर यहाँ देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है अपना जवाब। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ फैसला निकल के आ रहा है, जानेंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, ज्ञानवापी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है मुस्लिम पक्ष में, पूरी तरह से हिंदू संगठन को लगा करारा झटका, योगी के मुंह पर भी करारा तमाचा। बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर, मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है आज की। मणिपुर में आज दफनाए गए 135 कुकी समुदाय के 100, जानेंगे इसके बारे में। पूरी तरह से देखा जाए देश भर में मचा हड़कंप। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं, बड़ी अपडेट निकल के आए, नू में जारी हिंसा को लेकर फिर से 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद, पूरी तरह से मणिपुर जैसे हालात बनते जा रहे हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में गोली कांड को लेकर विधायक अबू असीम ने महाराष्ट्र विधानसभा में जताई है आपत्ति। बताया मुसलमान बनाकर दाढ़ी रखकर बुर्का पहनकर सबको मार रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में किस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिमों को। वहीं देखा जाए अवैध खनन के आरोप में फंसा बृजभूषण, एक और बड़ा आरोप, जानेंगे इसके बारे में। वहीं सीमा हैदर को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बताएंगे इसके बारे में। तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पढ़कर। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर मोदी सर ने केस को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। जहां एक तरफ पुनेश मोदी की हालत खराब हुई, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अपनी जवाब की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। देखा जाए मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर राहुल गांधी की 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने बुधवार यानी 2 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर शाम सेशन कोर्ट को लंबित किया गया था, और इसमें देखा जाए उन्हें जरूर सफलता की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि देखा जाए जहां एक तरफ पुनेश मोदी को समय दिया गया था 10 दिनों का कोई खास बयान रखे, जिस तौर पर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह के ऐसे ठोस साबूत नहीं रख पाए हैं कि राहुल गांधी को पूरी तरह से दोष सिद्धि करार मिल सके। अब इस मामले में ये हो रहा है कि राहुल गांधी पूरी तरह से खास तौर पर देखा जाए तो बरी होने वाले हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को इस साल मार्च में सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई, और गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को उनकी दोष सिद्धि पर भी रोक लगाई थी, जिसके बाद देखा जाए 21 जुलाई को भी गुजरात सरकार समेत सभी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और अभी वहां सुनवाई चल रही है। अब देखने वाली बात हो की है कि आखिर न्याय कब मिलता है और आगे कितने दिन तक मामला आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होती है। चलते हैं एक और अपडेट, ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अब CIG लेने जा रहे हैं हम फैसला, मुस्लिम पक्ष में जाएगा पूरा फैसला, योगी के मुंह पर खड़ा रहा तमाचा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद परिसर के बाहर चल रहे तेजे बवाल को लेकर अब वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी अशोक मुथाजैन ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुके हैं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। सूत्रों का भी कहना है कि अब ASI की जांच को लेकर फिर से सर्वे हो सकता है। अब वही देखा जाए जिला कोर्ट ने 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। उधर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है। अब देखा जाए कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का फैसला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, और जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से भी बयान आया है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई है, और देखा जाए अब इस पर CGI एक्शन लेने वाले हैं और CGI तक मामला पहुंच रहा है, तो इसमें सरकार का कोई भी रवैया नहीं चलने वाला है। लगातार जिस तरह से फिरंगी का खेल खेला जा रहा है, खासकर मस्जिदों को लेकर, कहीं ना कहीं नागुजार है, और तमाम देखा जाए राजनीतिक दल भी इसको अपने तरीके से भुनाने में लगे हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए कहीं ना कहीं मस्जिद का मुद्दा बनाकर केवल और केवल लोगों का मन भटकाया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आई, मणिपुर से बड़ी अपडेट है, जहां पर लगातार 3 मई से हिंसा बढ़ी, लेकिन आज जो हुआ उससे सभी का दिल दहल चुका है। इससे पहले आपने देखा कि न्यूड परेड का वीडियो सामने आता है, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, एक साथ आज 35 कुकी समुदाय के 100 दफन कर दिए गए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, अब तक की सबसे ज्यादा मरने वाली संख्या है हिंसा में इतनी बड़ी। मणिपुर में जातीय संघर्ष में मारे गए कुकी समुदाय के 35 लोगों के 100 को आज
खास तौर पर दफन कर दिया गया है। इस बीच मणिपुर उच्च न्यायालय के मामले में सुनवाई करते हुए प्रस्तावित शमशान स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यहां कुकी को जो समुदाय के सदस्य रहे सामूहिक रूप से दफन किए हैं। देखा जाए न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को भी करारी फटकार लगाई क्योंकि पूरी तरह से समाधान निकालने में दोनों शक्तियाँ फेल हैं। हो जाए केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार, सब तमाशा देख रही हैं, सब धूल फांक रही हैं और इसमें बिना सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद कुछ होने वाला नहीं है। वैसे देखा जाए मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है मरने वालों का और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन है ये सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंसा और भी आगे बढ़ जाएगी। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। ऐसे बड़ी खबर निकल के आ रही, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा भी कहीं उससे ज्यादा जलने को तैयार हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां हो गई राख, दूसरी तरफ इंटरनेट सेवाओं को 5 अगस्त तक कर दिया गया निलंबित। पूरी तरह से मणिपुर जैसे हो रहे हालात। 9 में शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद भड़की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। देखा जाए तीसरे दिन भी दक्षिण हरियाणा में फैल गई थी दंगे में। अब तक देखा जाए 6 लोगों की मरने की खबर बाहर निकल के आ रही, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा रहता है, सही खबरों को नहीं दिखाया जाता। गोदी मीडिया लगातार यही सब कुछ कर रही है, लेकिन जहां बताया जा रहा 6 लोगों की, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां फूकी गई, जिस तरह से दंगे के वीडियो रहे, इससे साफ है कि मौतें और भी ज्यादा हुई हैं। और देखा जाए अब इंटरनेट सेवाओं को भी 5 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए उपद्रवियों ने खास तौर पर देखा जाए जहां एक तरफ गाड़ी जलाई जा रही है, नूह और फरीदाबाद पलवन जिलों में पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा पर नुकसान को लेकर बताए हैं कि उपद्रवियों से वसूली की जाएगी, लेकिन उपद्रवी कहां मिलने वाले हैं। और देखा जाए जिन उपद्रवियों से वसूली की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें उपद्रवी घोषित कर उन्हीं से सारा ये हवाला लिया जाएगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते और बड़ी खबर निकल के आ रही, द केरला स्टोरी फिल्म की एक्ट्रेस आदा शर्मा की हालत हुई खराब, नाजुक हालत में पहुंची है अस्पताल, लाइव शो के दौरान हुई है ये वारदात। बड़ी खबर निकल के आ रही, द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस आदा शर्मा अचानक बीमार पड़ गई जिसके कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी आगामी फिल्म पर मोशन के लिए गई हुई थी और अचानक एक्ट्रेस आदा शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल वो डॉक्टरों की पानी में है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए देश में हिंसा का बीच बो रही है ये एक्ट्रेस। द केरला स्टोरी फिल्म आप सबने देखा होगा और सबने देखा ना होगा, उसके बारे में सुना तो जरूर होगा किस तरह से देशभर में विवाद का एक बड़ा केंद्र बन चुका था द केरला स्टोरी फिल्म। और जिस तरह से उस फिल्म को गढ़ा गया है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक भेदभाव बैठा है और उस भेदभाव की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हो जाए मणिपुर हो या फिर हरियाणा में हो रही हिंसा हो या फिर लगातार उत्तराखंड और बेलेरी में हो रही पलायन क्यों ना हो, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं तेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं अगली और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, अवैध खनन के आरोप में फिर से बुरा फंसा बृजभूषण सिंह, लगातार फंसता जा रहा बृजभूषण सिंह। आपको पता है महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में घेरे बीजेपी सांसद बृजभूषण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया में इस समय एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही, इसमें बताया जा रहा है कि गोड्डा के सांसद द्वारा अवैध रेत खनन ओवरलोडेड ट्रकों का अवैध रूप से चलाने के आरोप में पूरी तरह से दोषी पाए गए और कमेटी इसके जांच में अभी भी जुटी हुई है। कमेटी ने 7 नवंबर को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। WFI के निवर्तमान अध्यक्ष इस खबर के बाद पूरी तरह से इसका खंडन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है, लेकिन आए दिन जिस तरह से बृजभूषण की एक एक पोले खुल के आ रही है कभी खनन और ट्रकों की ओवरलोडिंग को लेकर और रेत के लिए अवैध खनन का हवाला दिया जा रहा है और इसे पूरी तरह से खुद बृजभूषण कह रहे हैं कि न्यूज ये केवल अफवाह फैला रही है, ये सब झूठी खबरें हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में, जो खास तौर पर RPF जवान द्वारा 3 मुस्लिमों को चिन्हित कर मारा जाता है, इन सब का मुद्दा अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठता नजर आ रहा है। अब देखा जाए विधानसभा में वाट उठ चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक अबू असीम अजामी ने यह बात उठाई। उन्होंने बताया किस तरह से आज मुसलमान खास तौर पर दूसरे मुसलमान बनकर दाढ़ी रखकर या महिला बनकर बुर्का पहनकर खास तौर पर ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, वो मुसलमानों को निशाना बनाकर मार दे रहे हैं, जहां पा रहे हैं वहीं मारा जा रहा है। और उन्होंने यह भी बयान दिया कि सड़कों पर आजकल हेड स्पीच का भी मामला सामने निकल के आ रहा है। उनकी मांग क्या है ज़रा ये समझिए, उनकी मांग है कि सरकार को हेड स्पीच के खिलाफ आतंकी कानून बनाना चाहिए। और जिस तरह से सही बात है आज समाज में हेड स्पीच का मामला काफ़ी बढ़ चुका है, जिसका जो मन कर रहा है जिस धर्म को लेकर वही सब बोलने को तैयार है। इन सबको आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, जी हाँ सीमा हैदर से बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर अब जल्द ही आपको दिखेंगी बॉलीवुड फिल्मों में। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
बिना वीजा के अवैध रूप से हिंदुस्तान आई पाकिस्तान से सीमा हैदर बॉलीवुड में एंट्री लेने को तैयार हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश नौ निर्माण सेना के अध्यक्ष और फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। या देखा जाए, जानी फायर प्रोडक्शन हाउस टीम बुधवार यानी 2 अगस्त को सीमा हैदर से मिलने ग्रेटर नोएडा रबुपुर गांव पहुंच चुकी थी। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक आपको बताते चले हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर और सचिन से भी मुलाकात की और देखा जाए उनसे राय ली गई है खास तौर पर फिल्म में काम करने के लिए। तो राय पूरी तरह से पक्की है, वो भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार है। वही देखा जाए सीमा को रॉ जैसे एजेंट का किरदार भी दिया जाएगा। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। जहां एक तरफ ये बातें निकल के आ रही थी कि सीमा हैदर फिर से जाएंगी पाकिस्तान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब भारत की फिल्मों में काम करने जा रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर, हिंदू मुस्लिम बैठकर खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। ये लगातार इमाम दुआ करता था जिसे मारा गया था। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको हरियाणा के नू में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा गुरुग्राम में आज फिर देखने को मिली। कुछ लोगों ने गुरुग्राम की अजुम मस्जिद में आग लगा दी और 22 साल के नायाब इमाम सद की मौत कर दी, यानी मार दिया उनको। उन्होंने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। इमाम साद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, आप तक जरूर पहुंचा होगा, जिसमें वो बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर थाली में खाना खाएं, इस तरह से वो बातें करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्हें खास तौर पर केवल और केवल समुदाय को लेकर मारा गया, कहीं ना गुजार है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर निकल के आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, अब इस पर CGI लेने जा रहे हैं कड़ा एक्शन। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट क्या मामला पहुंचने के बाद ज्ञानवापी मामला खत्म हो जाएगा या नहीं? लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है कि इस पर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान निकल के आ रहा है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको फारूक अब्दुल्ला का कहना क्या है जरा समझिए। ज्ञानवापी के सर्वे पर अब फारूक अब्दुल्ला का बयान ये है कि मंदिर हो या मस्जिद, भगवान एक ही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताया लगातार जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला तूल पकड़ रहा है और ये मामला सीधा जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। अब इन सब को लेकर जहां फारूक अब्दुल्ला का बयान निकल के आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अब अल्लाह हो या भगवान, सब एक ही तो हैं। वैसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मेवात को लेकर, अब US से बयान निकल के आ रहा है। US स्टेटमेंट दिया है, क्या अपील की है जरा समझिए। हरियाणा के नू मेवात में हुई हिंसा को लेकर विदेश से भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आ रही है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हिंसा झड़पों पर बयान जारी करते हुए दोनों पक्षों में शांति की अपील की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का कहना है कि जाहिर तौर पर हमेशा की तरह अमेरिका शांति की अपील करता है, दोनों पक्षों को हिंसा कार न करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, दरअसल नू में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस साल भी ब्रिज मंडल यात्रा निकाली थी और इस यात्रा का ऐलान हो गया था और प्रशासन की तरफ से इजाजत भी दी गई थी। देखा जाए ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान पथराव होता है और पथराव देखते देखते एक सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो जाता है। सैकड़ों कारों को आग लगा दिया जाता है, साइबर थाने पर भी हमला कर दिया जाता है, फायरिंग हुई और इसमें कम से कम 6 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा एक मंदिर और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया था, जिसमें हवाला दिया जा रहा था कि खासतौर पर मुस्लिम लोगों ने बंधक बनाया था, लेकिन वहीं के पुजारी ने इस बयान को खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। लेकिन इस बीच देखा जाए हरियाणा के 11 जिलों में हाई अलर्ट भी रखा गया है, अभी स्थिति काबू बताई जा रही है। लेकिन देखा जाए RF के कई जगहों पर फ्लैग मार्च भी निकाले हैं। राजस्थान के भरतपुर के बाद अब अलवर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आप इसे सबको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।